नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात। मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं देश और दुनिया की कुछ खास शख्सियतों से, और आज की हमारी जो खास मेहमान हैं वो जानी जाती हैं अपने मजबूत इरादों और संघर्षों के लिए। इसका उम्र में भी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में काफ़ी संघर्ष किया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह जी। ऋचा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। 128 साल के इतिहास में आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली निर्वाचित महिला अध्यक्ष हैं, कैसा महसूस होता है? जी बहुत अच्छा भी महसूस होता है, और साथ ही साथ ये एक आशा की किरण भी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, उसे 128 साल लग गए एक निर्वाचित महिला अध्यक्ष को बनाने में। लेकिन शायद एक शुरुआत हो चुकी है कि आधी आबादी का जो है छात्र संघ में भी हिस्सा होगा, और छात्र संघ में भी आधी आबादी दस्तक देगी। आपने एमफिल किया है विमेन स्टडीज़ पे, तो अभी भी भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है जैसा कि और देशों में है, तो कैसा महसूस करती हैं आप? बिल्कुल सही बात है कि अभी भी भारत में महिलाओं की स्थिति पे बहुत काम होना बाकी है, और महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत ही मुझे लगता है कि साफ गोई से और साफ दिल से सरकारों को काम करने के लिए ज़रूरत है। और ये जो सशक्तिकरण का भ्रम है जो आजकल बड़ी तेज़ी से चल रहा है, सभी लोग कहते हैं कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं। क्यों सशक्त हो रही हैं? क्योंकि वो शिक्षा ले रही हैं, नौकरी कर रही हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि शिक्षा लेना, नौकरी करना या फिर जॉब करना, ये तो महिलाओं के मूलभूत अधिकार हैं, लेकिन वास्तव में सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम किया जाना बाकी है। वास्तव में ज़रूरत है कि महिलाएं पब्लिक स्पेस पे समानता से, और जिसको बोलते हैं कि पूरी तरीके की डिग्निटी से जी सकें, संसाधनों पे यानी कि रिसोर्सेज पे उनका आधिपत्य हो, रिसोर्सेज पे उनकी भागीदारी हो, साथ ही साथ पार्लियामेंट में वो बराबरी से होंगी, तब वास्तव में सशक्तिकरण हो पाएगा। तो मेरे विचार से भी सशक्तिकरण का काफ़ी लंबा सफर तय करना महिलाओं के लिए बाकी है। 67 साल हमारी आज़ादी को हो चुके हैं, फिर भी अभी महिलाएं अपना वो सम्मान हासिल नहीं कर सकती हैं, क्या कारण था? सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी? देखिए, कहीं ना कहीं सशक्तिकरण का जो भ्रम है, हम लोग बार बार इस पे बात करते हैं क्योंकि मैं महिला अध्ययन की स्कॉलर भी रही हूँ, और हम लोगों ने इसको बहुत ही करीबी से पढ़ा भी है और काफ़ी इस पे रिसर्च भी की है। देखिए, एक पूरा एक सेटअप है, पूरा जिसको हम लोग पितृसत्ता या पेट्रियार्कल सेटअप कहते हैं, और उस पेट्रियार्कल सेटअप के अंदर, और साथ ही साथ विशेष रूप से ग्लोबलाइजेशन के बाद, जबकि 1990 के बाद वो मंडीकरण का जो दौर चला है, इसमें एक बात तो तय है कि आप आधी आबादी यानी कि महिलाएं जो कि आपका रिसोर्सेज भी हैं, मतलब जो मैन पावर का रिसोर्स है वो आधा महिलाओं का रिसोर्सेज है, तो आप इस रिसोर्स को पीछे छोड़कर तो नहीं चल सकते हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि महिलाओं को सिर्फ उतनी ही सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं जितना इस भूमंडलीकरण में इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ज़रूरी है। यानी कि उन्हें शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन क्या वो शिक्षा उनको उन बेड़ियों से मुक्त करा रही है? क्या समाज उस पेट्रियार्कल सोच से निकल पा रहा है जिसमें एक महिला एक इंसान के बराबर हकों को ले सके और उसके अधिकारों पे उसको उन राइट्स को वो यूज़ कर सके? तो इसमें अभी एक खासा फ़र्क हम लोगों को देखने को मिलता है। आपको नहीं लगता कि समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है? बिल्कुल, समाज को सोच बदलने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय में समाज की सोच में बदलाव आ भी रहा है। ज़रूरत है कि उस बदलाव को पॉजिटिव ढंग से समाज अपनाए और उसे पॉजिटिविटी से आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए कि लड़कियां भी लगातार रेजिस्ट कर रही हैं, और ऐसा नहीं है, इस रेजिस्टेंस में जो एक पूरा समाज का एक पुरुष वर्ग का हिस्सा है, वो इस रेजिस्टेंस में उनका सहयोग दे रहा है, साथ दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चुनाव जीता, जिसको जिताने में बहुत बड़ी संख्या लड़कों की है, और मुझे ज़्यादा वोट, मतलब ये बात सही है कि लड़कियों का वोट डिसाइडिंग वोट होता है, लेकिन जो मुझे बड़ी संख्या में वोट मिला वो लड़कों का वोट मिला। तो यानी कि वो इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, और इसमें वो भागीदारी भी दे रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव लड़ने का इरादा कैसे हुआ, कैसे विचार आया मन में? एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काफ़ी लंबा समय गुजार चुकी हूँ, मैंने वहीं से अपना यूजी किया, पीजी किया, और रिसर्च असिस्टेंट के बतौर एक प्रोजेक्ट में भी काम किया। हम लोग देख रहे थे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो छात्र संघ की राजनीति है वो पूरी तरीके से मनी पावर और मसल पावर की राजनीति बनती चली जा रही थी, और कई सालों से देख के ये लगता था कि कैसे कॉमन स्टूडेंट इसमें आ सकता है, और क्यों नहीं इसमें कॉमन स्टूडेंट आ पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल बैकअप की ज़रूरत पड़ती थी, आपको मनी पावर की ज़रूरत पड़ती थी। और मैं मानती हूँ एक सामान्य स्टूडेंट के पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं, और ना मसल पावर होती है।
तो कई सालों से लगता था कि इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने बहुत बार आलोचनाएं भी की, क्रिटिसिज्म किया, स्टूडेंट में अवेयरनेस भी लेकर हम गए। लेकिन बाद में हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर बदलाव करना है तो आपको एक मॉडल तो देना पड़ेगा। सिर्फ क्रिटिसिज्म से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा। और इस बार हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग छात्र संघ चुनावों में भागीदारी करेंगे और स्टूडेंट्स तक अपनी बात पहुँचाकर कॉमन स्टूडेंट को इस चुनावी प्रक्रिया में, जो कि कहीं ना कहीं उससे हटती चली जा रही थी, कॉमन स्टूडेंट के बीच में जाके अपनी बात को रखेंगे। और एक नए तरीके का मॉडल, जिसको हम लोग क्रिएटिव मॉडल कहते हैं, हम लोगों ने बार बार कहा था कि हम लोगों के पास क्रांति का कोई मॉडल नहीं है, लेकिन हम लोगों के पास क्रिएटिविटी का मॉडल है, और उसी को लेकर हम लोग इस बार आए। अच्छा, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था आपका, तो कैसे भरोसा था, क्या आपको उम्मीद थी कि चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल, देखिए हम लोगों को ये तो मैं पूरी तरीके से नहीं कहूँगी कि मुझे ये उम्मीद थी कि मैं चुनाव जीत जाऊँगी, लेकिन हाँ हम लोगों को ये उम्मीद थी कि हम लोग बेहतर करेंगे, और उस बेहतर करने में कुछ नहीं होगा तो एक मॉडल खड़ा करेंगे। और इस बार अगर हम नहीं सफल हुए तो इस मॉडल को देख के अगले साल फिर से कोई कॉमन स्टूडेंट उसी मॉडल पर चलेगा और निश्चित रूप से ये मॉडल चेंज होगा। लेकिन खुदा ने हम लोगों का साथ दिया और हम लोग इसी बार इस मॉडल को लाने में सफल हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसने 4 प्रधानमंत्री दिए हैं देश को, लगभग 6 मुख्यमंत्री दिए हैं अलग अलग प्रदेशों के, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी? देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, और विशेष रूप से पॉलिटिकल तो राजनीतिक में, राजनीति में बहुत ही विश्वविद्यालय का योगदान रहा है। देखिए महत्वाकांक्षा किसी निजी स्वार्थ की नहीं है, लेकिन एक महत्वाकांक्षा ज़रूर है कि ये जो सिस्टम है उस सिस्टम में यूथ ज़्यादा से ज़्यादा आए और हम लोग एक मॉडल, एक बदलाव का मॉडल, और इस समय की जो वर्तमान राजनीति है ऐसे में यूथ का आकर उस मॉडल को चेंज करना और उस मॉडल में एक क्रिएटिव मॉडल को लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये महत्वाकांक्षा तो ज़रूर है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आएँ और उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़े और सकारात्मक रूप से बढ़े, वो सिर्फ कठपुतली के रूप में ना रहें बल्कि उनकी मजबूत भागीदारी हो। अभी हाल में ही आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या लगता है आपको, क्या समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके जो आपके आदर्श हैं या जो आप करना चाहती हैं आगे, तो उसको कैसे पूरा कर सकती हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है कि अभी मैंने हाल में ही समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो कि लोहिया जी के विचारों पर चलती है, जो कि मानती है कि सोशलिज्म ही एक वो मॉडल है जो देश में जो शोषण है उसको हटा सकता है, या एक समान समाज की स्थापना समाजवाद के मॉडल से ही हो सकती है, और जिसमें विशेष रूप से दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का और महिलाओं के लिए लोहिया जी विशेष अवसर की बात करते हैं। वर्तमान राजनीति में हम देख रहे हैं कि ये चारों ही कहीं ना कहीं अलग थलग से पड़े हुए हैं और जिनको मेनस्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी है, और इसी विचार को देखते हुए और लोहिया जी उस समाज की बात करते थे जिसमें लोकतंत्र में महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी होगी, एक मजबूत हिस्सेदारी होगी। लोहिया जी की राजनीति यानी कि समाजवाद छात्र राजनीति के भी बहुत करीब है, वो छात्रों को मानता है कि छात्र वो अस्त्र हैं जो कि देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकते हैं। तो इन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए और इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि एक शोषण विहीन समाज की स्थापना हम लोगों ने कैंपस में भी, हम लोगों ने सोचा था कि जो भी तमाम तरीके की असमानताएं हैं या जो मार्जिनलाइज छात्र हैं अलग अलग तरीकों से, कई लोग जाति के आधार पर मार्जिनलाइज होते हैं, कई लोग धर्म के आधार पर मार्जिनलाइज होते हैं, कोई लिंग के आधार पर, तो इन सारे असमानताओं को खत्म करने के लिए हम लोगों ने शुरू किया था और अब उसको हम लोग विश्वविद्यालय से आगे बढ़ाते हुए उसको पूरे देश में ले जाने का प्रयास करेंगे। अब लोहिया जी के समाजवाद की बात करती हैं, आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी लोहिया जी के समाजवाद से भटक गई है, अब वो परिवारवाद पे आ गई है? देखिए मैं एक चीज़ ये मानती हूँ कि आइडियोलॉजी महत्वपूर्ण है और मैं एक आइडियोलॉजी से जुड़ी हूँ जिसको वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी, जिसको आइडियोलॉजी मानकर आगे चल रही है, और अगर कुछ कमियां हैं तो उस पर काम किए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग तो ये मान के ही चल रहे हैं कि आलोचना से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको उसमें आके बदलाव करना पड़ता है। कांग्रेस के सेक्युलरिज्म पे क्या कहेंगे आप? देखिए मैं तो यूथ हूँ और यूथ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग। हम लोग ने पिछले कुछ सालों में देखा और कई आंदोलन भी हुए, जैसे निर्भया का आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार पे आंदोलन हुआ था, और उसमें कांग्रेस की भी जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं वो छात्रों को दबाने की भूमिका थी, उस आवाज़ को दबाने की भूमिका थी, और वो बड़ा ही मिला जुला सा उनका भी क्लियर नहीं है। तो इसको देखते हुए कांग्रेस को भी हम लोग पूरी तरीके से साफ सुथरा नहीं कह सकते, और एक समाजवादी मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि लोहिया जी ने दिया था, जिसको इस वक्त देश में बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी कुछ समय पूर्व योगी आदित्यनाथ जी का आपने काफ़ी विरोध किया था, काफ़ी चर्चा में भी रही थी आप, क्या कारण था उनका विरोध करने का? देखिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं अपने भड़काऊ भाषणों के लिए, अपनी
एंटी माइनॉरिटी, एंटी दलित, एंटी विमेन भाषा के लिए और भाषण के लिए। और मैं ये मानती हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी एक जाति, किसी एक वर्ग का विद्यालय नहीं है। उसमें 30,000 स्टूडेंट्स की संख्या है, जिसमें हर जाति, हर धर्म का और दोनों ही लिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को जिसका अकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है, और जो एंटी दलित, एंटी विमेन और एंटी माइनॉरिटी है, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते तो तमाम छात्रों के इमोशन से भी वो खिलवाड़ करते, और हो सकता है कि कैंपस का एक पूरा जो सांप्रदायिक माहौल जिसके लिए वो जाने जाते हैं उसको वो करने में कामयाब होते। और एज अ प्रेसिडेंट ही मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे किसी भी साथी के इमोशंस के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और कैंपस का सांप्रदायिकरण ना हो। क्या आजकल के नेताओं में आजकल के नौजवानों से ज़्यादा अहंकार है? देखिए, ये मुझे लगता है कि पर्सनालिटी वाइज ये थोड़ा डिपेंड करता है अहंकार होना, और अहंकार को हम लोग अलग अलग तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये कहना तो थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन अगर है किसी के भी अंदर, तो अहंकार को हटा के हम लोगों को आम आदमी को समझना पड़ेगा, आम आदमी की भावनाओं को समझना पड़ेगा। जिससे समाजवादी पार्टी अभी आपने ज्वाइन की है, अखिलेश यादव जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी युवाओं का सपोर्ट भी करते हैं, आपको क्या लगता है कि प्रदेश के युवाओं की अपेक्षाओं पर अखिलेश यादव जी खुद खरे उतरे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं बहुत हद तक हमारे युवा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हद तक उनकी आकांक्षाओं पे खरे उतरे हैं। और आप ये भी देखिए कि पिछले 5 साल में उन्होंने काम करके दिखाया है उत्तर प्रदेश में बहुत सी योजनाओं को, चाहे वो यूथ के लिए हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, उन्होंने किया है। और साथ ही साथ एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ कि आप एक यूथ मुख्यमंत्री, क्योंकि हम लोग यूथ हैं तो यूथ से कनेक्ट भी करते हैं, आप देख लीजिए कि जितने भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अभी के दौर में हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ कोई ना कोई विवाद ना जुड़ा हो। चाहे वो गुजरात के हम पूर्व मुख्यमंत्री को ले लें, या मध्य प्रदेश में जो अभी हैं उनको भी अगर हम शिवराज जी की भी बात कर लें, तो सबके साथ कुछ ना कुछ विवाद जुड़ा हुआ है। लेकिन अखिलेश जी की छवि माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी तरीके से साफ है, जो कि युवाओं में एक पॉजिटिव अप्रोच को भी जगाती है। तो युवा मुख्यमंत्री बहुत ही हमारे सफल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी बहुत काम करने में, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वहाँ पे काम करने में हमें युवा मुख्यमंत्री ने बहुत सहयोग दिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल होने के बावजूद कई सालों से हमारे पास कन्वेंस की सुविधा नहीं थी, बस की नहीं थी। अभी मैं कुछ महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली थी और हमने उनसे बसेस की डिमांड की, उन्होंने यूनिवर्सिटी को दिया। उसके साथ ही साथ अभी कुछ और भी यूनिवर्सिटी में मूलभूत सुविधाएं जो स्टूडेंट्स की हैं, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने आगे बढ़कर सहयोग दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे युवा मुख्यमंत्री युवाओं की भावनाओं को समझ रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर एक आशा की किरण जगाती है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अध्यक्षा ऋचा सिंह जी से। बातों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के। जहाँ पुण्य के पुष्प से सुख वृद्धि, जहाँ पाप फसल और शाप अस्त, उस महाकाल उज्जैन धरा पर फिर होगा सिंह। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर अमृत का मेला, कुंभ महापर्व सिंहस्थ, 22 अप्रैल से 21 मई 2016, उज्जैन, मध्य प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक खास मुलाकात। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला छात्र संघ अध्यक्षा ऋचा सिंह जी से। अपनी बातों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए, ऋचा, आप छात्र राजनीति में आई, अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है आपने, परिवार का कैसा रिएक्शन है? जी, जब हम लोग ने छात्र संघ चुनावों में दस्तक दी थी और सोचा था छात्र संघ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही थी कि पूरा धनबल और बाहुबल का इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पॉलिटिक्स रही है, तो ऐसे में बाहुबलियों के बीच में आना, तो परिवार निश्चित रूप से कंसर्न था और चिंतित भी था। शुरुआत में बहुत मना भी किया गया मुझे और बहुत तरीकों से समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन फिर अंत में जब उन लोगों ने देखा कि ये नहीं, मैं करना चाहती हूँ और ईमानदारी से करना चाहती हूँ, तो फिर उन्होंने फिर मेरा सहयोग भी किया। तो अभी ठीक है, मतलब देखिए मुश्किल तो है महिलाओं के साथ, लेकिन उसमें अभी परिवार बढ़ के मुझे सहयोग कर रहा है। आजकल के जो राजनीतिक हालात हैं, हम नेताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं, उन पर जिम्मेदारी देते हैं, आपको नहीं लगता कि युवाओं की भी इसमें कुछ जिम्मेदारी है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए?
जी देखिए, बिल्कुल युवाओं की जिम्मेदारी है। भारत इस समय एक सबसे युवा देश है पूरे विश्व में। भारत में युवाओं की जो अगर हम जनसंख्या देख लें तो सबसे ज़्यादा युवाओं की जनसंख्या है। और ऐसे में जब हम युवाओं से ये उम्मीद करते हैं कि पूरा देश ये उम्मीद करता है कि युवा आने वाले समय का भविष्य है और वो हर क्षेत्र में अपनी दस्तक दे रहे हैं, तो विशेष रूप से अब राजनीति में भी उन्हें दस्तक देने की ज़रूरत है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि इस समय युवा जब राजनीति में आ रहे हैं तो एक अजीब सी उथल पुथल मच रही है, और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है वो कहीं कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है युवाओं का ना, क्योंकि युवा आएगा, युवा वोकल है, वो सवाल पूछेगा। और युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो राजनीति से मुंह ना मोड़े, क्योंकि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति कई बार आपकी देश कई बार क्या मतलब हमेशा ही आपको ये मौका देती है कि आप जो देश की नीतियाँ हैं और जो देश के जो नीति निर्धारक तत्व हैं या तमाम तरीके की चीज़ें उसमें सीधे सीधे इंटरफेयर कर सकें और उसमें आप उसको एक सही दिशा दे सकें, और उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि युवा राजनीति में आए। युवाओं की विशेष भूमिका है। जो अभी रोहित वेमुला का प्रकरण हुआ या JNU में जो कन्हैया के साथ हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार युवाओं को डील करने में कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं चूक नहीं हुई है। मैं तो मानती हूँ कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है युवाओं को डील करने में। और केंद्र सरकार जब आई थी तो ये बात कही जाती थी कि इसके ये युवाओं की सरकार है और इस सरकार को युवाओं ने चुना है। लेकिन आप देखिए कि पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है इस समय, युवाओं में ही सबसे ज़्यादा असंतोष है। और वो असंतोष किसी एक विशेष राज्य या क्षेत्र में नहीं है। आप ये देखिए कि वो IIT मद्रास से शुरू होता है, जब अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल को वहाँ पे बैन किया गया। फिर FTII में जिस तरीके से गजेंद्र चौहान जी की नियुक्ति करके सरकार ने इंटरफेयर करने का प्रयास किया कैंपस में, उसके बाद हैदराबाद का इशू हुआ, JNU प्रकरण हुआ, इलाहाबाद हुआ, और अब वो IIT कश्मीर तक पहुँच चुका है। तो आप ये देखिए कि कहीं पे भी पूरे देश में कोई भी विश्वविद्यालय अछूता नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या कारण है कि सरकार लगातार विफल हो रही है, क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि एक विशेष छात्र संगठन जिसे हम ABBP के नाम से जानते हैं और जिसके पीछे और आगे दोनों ही तरफ मानती हूँ कि सरकार खड़ी हुई है, इस समय सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ ABBP की रहनुमा बनकर रह गई है। और जो और विश्वविद्यालयों में तमाम छात्र संगठन हैं, और सिर्फ छात्र संगठन ही नहीं बल्कि आम छात्र हैं, उनसे उनकी उम्मीदों पर ये सरकार खरी नहीं उतर पा रही है, और जिसके चलते युवाओं में बहुत असंतोष है। और वो हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है, पूरे देश में प्रतिरोध चल रहा है युवा, और युवा आंदोलन कर रहा है। और देखिए, ये सिर्फ आंदोलन कुछ चीज़ों को ही लेकर नहीं है। अभी लास्ट नवंबर में 2015 में स्कॉलरशिप को लेकर भी आंदोलन चला था, जब MHRD ने ये कहा था कि वो फेलोशिप को जो PhD के लिए दी जाती है उसको बंद करने की तैयारी थी, तो भी युवा सड़कों पे उतरे थे। फिर WTO में जब शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन करने की या को बेचने की सरकार ने तैयारी की, तब भी युवा उतरे थे। और एक सवाल भी है कि जब हम देश के विकास की बात करें, वर्तमान सरकार से हम लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं कि एजुकेशन पे खर्च किए जाने वाला बजट जब बढ़ना चाहिए था, आप जो है देश के विकास की बात कर रहे हैं, ऐसे समय में एजुकेशन पे खर्च किए जाने वाले बजट में लगातार कटौती की जा रही है। अभी अभी IIT की फीस भी 99,000 से या 90,000 से बढ़ा के सीधे 2 लाख कर दी गई। तो कहीं ना कहीं युवाओं में असंतोष भी है, और ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो रही है युवाओं को भापने में। और युवा इस सरकार को बहुत जल्द, मुझे लगता है कि किसी ने सही कहा है, किसी ने क्या लोहिया जी ये कहा करते थे कि जिंदा कौमे 5 साल का इंतजार नहीं किया करती, तो शायद युवा भी अब नहीं इंतजार कर पाएगा। नहीं तो आप ये इल्जाम लगा रही हैं कि केंद्र सरकार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, आप ये देखिए ना कि आप आज आप कहीं पे भी खड़े होकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही राष्ट्रद्रोही करार कर दिया जाएगा अगर आप राइट विंग के साथ नहीं खड़े। हम लोग इसको खुलकर कहते हैं कि अगर आप राइट विंग के साथ नहीं खड़े हैं, यानी कि आप सरकार के साथ नहीं खड़े हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, जो कि एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी है कि सवाल पूछे जाना। लेकिन आपसे सवाल पूछे जाने की स्पेस छीनी जा रही है। अभी आप ये देखिए कि 23 मार्च का समय था जब पूरा देश होली मना रहा था, तब हैदराबाद में छात्रों के ऊपर बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया, कैंपस के अंदर इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए गए, वहाँ पे ATM ब्लॉक कर दिया गया, इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के छात्र अपने साथी रोहित की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग बीते महीने में रोहित के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे जंतर मंतर पे, वहाँ पे भी लाठीचार्ज हुआ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं बिल्कुल सरकार विफल भी है, और सरकार को ये सोचना चाहिए, और सरकार को एक बात और समझनी चाहिए कि वो किसी विशेष छात्र संगठन की सरकार नहीं है बल्कि पूरे देश की सरकार है। और इसको देखते हुए सरकार को कुछ पॉजिटिव तरीके से अब सोचना होगा।
हम अभी आपने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में प्रतिरोध करके, उसमें आप थी, कन्हैया थे और भी छात्र संघ के बहुत से युवा नेताओं ने उसमें शिरकत की, क्या उद्देश्य था आपका उसका? देखिए, ये उद्देश्य था कि पूरे देश में जो छात्रों में असंतोष है और पूरे देश में जो छात्र आंदोलन चल रहे हैं, ये एक मंच था जहाँ पे सभी छात्र, और वो एक और इस समय के आंदोलनों में एक विशेष बात है जो भी छात्रों के चल रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कि अक्रॉस द कैंपसेस स्टूडेंट्स में एक यूनिटी बन रही है। पहले जो आंदोलन हुआ करता था किसी एक विश्वविद्यालय का आंदोलन, उसी विश्वविद्यालय में सिमट जाया करता था, लेकिन आज इलाहाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे का छात्र साथ में मिलकर एक आंदोलन कर रहा है, और वो आंदोलन है सरकार की जो छात्रों के खिलाफ दमनात्मक उसका रवैया है, या छात्रों की आवाज को जो दबाने का रवैया है। और उस कार्यक्रम का नाम भी प्रतिरोध था, रेजिस्टेंस था, कि अब स्टूडेंट्स और जो छात्र हैं वो सरकार की इस तरीके के रवैये का वो खुला प्रतिरोध करते हैं, और एक मंच पर तमाम अलग अलग विचारधाराओं के छात्र संगठन और छात्र आकर एक साथ अपनी बात को कह रहे थे, और हम लोगों ने एक स्पष्ट वहां से मैसेज भी दिया था कि अब हम इस सरकार को, जो ये सरकार छात्रों से उनके बोलने की डेमोक्रेटिक स्पेस छीन रही है, इसका हम डटकर मुकाबला करेंगे और हम अपनी लोकतांत्रिक जमीन वापस लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, इस तरीके के जो नारे लगते हैं, आपको नहीं लगता है कि वामपंथी विचारधारा को सपोर्ट कर? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद तो हमारी देश की आज़ादी के समय से जो है भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम का जो नारा बहुत सुनने को मिलता है, और सिर्फ अब तो लाल सलाम ही नहीं, अब तो जय भीम के नारे भी लगते हैं और नीला सलाम भी होने लगा है। तो देखिए, एक भारत जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, यहाँ पे बहुत डिफरेंसेस हैं, अलग अलग तरीके की रीजन्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें एक यूनिटी है। तो ये तो सिम्बॉलिक है, लाल सलाम कहना, नीला सलाम कहना, जय भीम कहना, लेकिन हम सब की लड़ाई इंकलाब की लड़ाई है, और हम लोग अपने इंकलाब की लड़ाई आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये वामपंथी विचारधारा को क्या आप देश के लिए सही मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वामपंथ या फिर दक्षिणपंथ इस देश का भविष्य नहीं हो सकते हैं, और यही कारण है कि वामपंथ ने भी अपनी जमीन खोई है पूरे देश भर में, और वर्तमान समय में या आने वाले भविष्य में इस देश का भविष्य समाजवाद की विचारधारा ही हो सकती है, जो कि एक सेंट्रलिस्ट विचारधारा है जो गांधी और लोहिया को लेकर चलती है, और जो हर तबके की बात करती है, और सभी के लिए समान अधिकार, समान रूप से डिग्निटी से जीवन जीने के अधिकार की बात करती है, वही इस देश का भविष्य। नारों की बात की आपने अभी, तो एक नया नारा आजकल बहुत ही प्रचलित है, भारत माता की जय, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मैं अगर इस पे तो ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जब योगी आदित्यनाथ का विरोध किया था तो हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे, रात के 1:30 बजे थे, और एबीवीपी के लोग वहाँ नारे लगा रहे थे, और उनका नारा था जय श्री राम, भारत माता की जय, और साथ ही साथ सेक्सुअल रिमार्क्स। तो मैं इस पे यही कहना चाहती हूँ उदाहरण के साथ कि भारत माता की जय आप जरूर कहते हैं, लेकिन अपने देश की तमाम माँ बहनों की, और कौन सी भारत माता की आप जय कर रहे हैं, आपको तय करना होगा आप, लेकिन अपने ही देश में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके प्रति इज्जत नहीं है। अभी आपने देखा होगा कल ही साक्षी महाराज का भी ये बयान था कि महिलाएं तो पैर की जूती के समान होती हैं, या फिर इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि रोहित वेमुला की माँ क्या इस देश की भारत माँ नहीं हो सकती थी। तो कौन सी माता भारत माता होगी, ये स्पष्ट करने की ज़रूरत है, और हम लोग इस तरीके के राष्ट्रवाद में, मैं कहती हूँ कि हम लोग उस तरीके के राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं जहाँ पे हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए एक समान स्पेस होगी, ना कि किसी एक विशेष जाति और धर्म के लिए। तो ये भारत माता की जय से ज़रूरी है कि हम एक मानवतावाद का नारा लगाएं जिसमें हर इंसान की डिग्निटी की और हर इंसान की जगह हो। अभी आपने बात की कि युवाओं की, कि 60% आबादी भारत के लगभग युवाओं की है। मैं भी जब बात करता हूँ युवाओं से तो एक गुस्सा देखने में मिलता है उनका, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। तो युवाओं को अपने इस गुस्से को जाहिर करने के लिए कुछ और मंच नहीं चाहिए कि राजनीति में आए, विकास की बातें करें या दूसरी बातें करें? ये जो प्रतिरोध हो रहा है विश्वविद्यालयों में, क्या ये सही रास्ता है? देखिए, प्रतिरोध तो अगर आप युवा राजनीति को देखेंगे या छात्र राजनीति को देखेंगे तो उसका मूल ही था प्रतिरोध करना, प्रतिरोध मतलब सवाल उठाना, और अगर वो अलग अलग कैंपसेस में हो रहा है तो इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि युवा प्रतिरोध कर रहा है, क्योंकि प्रतिरोध से ही कुछ सकारात्मक उपजता है और सकारात्मक चीज आगे आती है, और अलग अलग कैंपसेस में जरूर प्रतिरोध की आवाज उठ रही है, लेकिन ये प्रतिरोध है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, ये प्रतिरोध है जो
अलग अलग वर्गों का शोषण हो रहा है या अलग अलग वर्गों को समान रूप से मौके नहीं मिल रहे हैं उसके खिलाफ है, जो हमसे हमारी बोलने की जमीन छीनी जा रही है उसके खिलाफ। तो युवाओं ने बहुत ही इस समय अगर आप एक चीज़ और देखेंगे कि युवा खुल के वोकल हो रहा है और वो सिर्फ प्रतिरोध ही नहीं कर रहा है बल्कि उसके लिए एक विकल्प भी दे रहा है, वो राजनीति में आ रहा है और वो तमाम तरीकों से इस देश की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल हो रहा है, तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है ये। आपका राजनीति में आने का कोई इरादा, चुनाव लड़ने का इरादा आगे? देखिए राजनीति में मैं तो ये मानती हूँ कि जब हम वोट देने जाते हैं 18 साल के बाद तभी से हम राजनीति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम ये तय करते हैं, तमाम पार्टियों के एजेंडा को देखते हैं और तमाम चीज़ों को देखते हैं और ये तय करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो राजनीति तो तभी से शुरू हो जाती है और अब हम लोग भी सक्रिय राजनीति में भी आ गए हैं और छात्र राजनीति से ही और सक्रिय राजनीति में आगे भी अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल अगर वो समय भी आएगा तो हम लोग देश के चुनावों में भी हिस्सेदारी और भागीदारी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ने को ही हम लोग राजनीति मानते हैं, हम लोग राजनीति के एक नए तरीके के मॉडल को भी जरूर देंगे। तो समाजवादी पार्टी जो ज्वाइन की आपने, इसको क्या ये उसकी तरफ आपका पहला कदम है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि हम लोग ने कैंपस में जिस तरीके से कैंपस में योगी आदित्यनाथ को रोक के कैंपस का सांप्रदायिकरण नहीं होने दिया था, उसी तरीके से आने वाले चुनावों को देखते हुए हम 17 में और पूरे प्रदेश का सांप्रदायिकरण नहीं होने देंगे, ये हमारा मैसेज है इस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ऋचा। हमारे साथ थी ऋचा, बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत ही शालीनता से हमारे सवालों का जवाब दिया, अपनी विचारधारा की बात की, एक नई विचारधारा की बात की, समाजवाद की बात की। अगले प्रोग्राम में फिर किसी खास शख्सियत के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।